सुजलॉन एनर्जी की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 5% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले लगातार गिरावट में था, हमने डिस्कस भी किया था कि 60 का लेवल ब्रेक डाउन कर सकता है सुजलॉन, भारी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। और 60 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये जो लो था जहाँ सपोर्ट लिया था 50 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर हमने डिस्कस किए थे। और देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो बाइंग आई है स्टॉक में वो 53 के आसपास, 53-54 के आसपास से देखने के लिए मिली। बाउंस बैक के साथ मेजर रेजिस्टेंस 60 का लेवल ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है और बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ से सुजलॉन का खेल जो है वो पलट सकता है, यहाँ से और अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर रिजेक्शन लेता है, गिरावट आती है, तो जहाँ इससे पहले सपोर्ट लेकर जम दिखाया 60 का लेवल जो है आखिरी ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है जहाँ से बना है नीचे की ओर से, 60 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। ब्रेक डाउन कर जाता है तो तगड़ा सपोर्ट 52-50 का लेवल रहेगा, ये नीचे की ओर मेजर और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब आने वाले ट्रेडिंग डे में सुजलॉन जो है 64 तक का जंप हमको दिखा सकता है, इमीडिएट टारगेट है अपना 64 का लेवल, यहाँ तक का जंप दिखा सकता है। और इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो ये जो आप हाई देख पा रहे हो जहाँ से रिजेक्शन के बाद लगातार सेलिंग आई थी 70 का लेवल, मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर यहाँ तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है 64 के ब्रेकआउट के बाद। लेकिन अगर बाउंस बैक के साथ ये जो हाई है 70 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करके एटलीस्ट क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे गया तो फिर यहाँ से और अपसाइड सुजलॉन में देखने के लिए मिल सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 76 और 80 तक का भी जंप फिर स्टॉक में हमको देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।